करनाल पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो लुटेरों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से दो देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और लूटी गई KTM स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद की गई है। तो वहीं लूट की वारदात का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लुटेरे हवाई फायर करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इस तारीख की शाम की वारदात है, वहाँ तीन हथियारबंद युवकों ने दो युवकों से पिस्तौल के बल पर KTM बाइक स्नैच की थी, जिसने हमने कल एक गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 16 से दो युवकों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के दौरान उनसे जो लूटी हुई बाइक है वो बरामद की है और उनसे दो असले भी हमने जो वारदात में इस्तेमाल हुए थे वो बरामद किए। हिस्ट्री शीटर हैं सर ये लोग? नहीं, अभी इनका फिलहाल रिमांड लेके गहराई से पूछताछ। सर बताया जा रहा है फायर भी किया गया था मौके पे? दो फायर हुए थे वहाँ पे। प्रथम जांच में क्या पाया गया? फिलहाल ये था कि इन्होंने इसलिए लूटी थी कि ताकि इसको बेच दें, अच्छी बाइक थी, महंगी बाइक थी कि अच्छे रेट में बिकेगी तो उसको पैसे होंगे। तो कुछ हथियार भी मिले हैं सर? दो वेपन मिले हैं, 315 बोर के और लाइव कार्ट्रिज। ये जो बेसिकली जो दोनों युवक गिरफ्तार किए वो ऋषिनगर करनाल के रहने वाले हैं और सेक्टर 16 से उनको अरेस्ट। पहले भी कोई मामले दर्ज है? अभी इनका रिमांड ले जाकर गहराई से पूछताछ। इलीगल वेपन है सर? हाँ, दोनों इलीगल वेपन। तो क्या बाइक चलाने का शौक वगैरह भी था तभी इतनी महंगी बाइक? फिलहाल ये आया कि इनको महंगी बाइक है, कोई लालच था कि अच्छे रेट में बेच देंगे, इसको बेच देंगे कहीं पे। तो वेपन कहाँ से लिए सर इन्होंने? ये अभी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पूछताछ। क्या वेपन में क्या क्या है? 215 बोर का वेपन है इलीगल, वो फिलहाल जो पहली पूछताछ प्राइमरी पूछताछ में आएगी। दोनों वेपन यूपी से लिए गए थे, अब इनका रिमांड ले जाकर सोर्स तक भी जाएगा। CCTV फुटेज भी सर कोई सामने आया था? हाँ, जब इंसिडेंट हुआ था उस टाइम CCTV फुटेज एक सामने आया था, जहाँ पे एक युवक उसमें हवाई फायर करता हुआ नजर आ रहा था। तो उस फुटेज काफी क्रूशियल रहा हमारे लिए इसको डेवलप करने के लिए और गुप्त सूचना के आधार पर। पीड़ित युवक ने सर बताया था कि उस पर हमला भी किया गया पेचकस के साथ, ऐसा भी कुछ था? ऐसा था, जैसे उन्होंने बाइक लगाई आगे, बाइक लगाने के बाद जब चाबी निकालने लगा तो उसने पेचकस से वार किया। ये भी कहा था कि लड़की छेड़ रही हो, कोई ऐसा मामला नहीं आया जो इनका मेन पर्पस लूट का ही था। जानकारी के मुताबिक राखी से एक दिन पहले शाम को जब बाजार में भीड़ थी, दो युवक बाइक पर सवार होकर बाजार की तरफ घर का सामान लेने के लिए जा रहे थे। KTM स्पोर्ट्स बाइक पर सवार थे, लेकिन अचानक सेक्टर 13 पौश इलाके में उन्हें स्प्लेंडर बाइक सवार तीन युवक उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक को लगाकर रोक लेते हैं, उनकी बाइक की चाबी को निकालते हैं। पीड़ित विरोध करता है तो फिर उसके बाद उस पीड़ित के ऊपर पेचकस से हमला करते हैं और उनकी बाइक छीन ली जाती है। इतना ही नहीं, दोनों पीड़ित अपनी जान बचाकर भागते हैं, जिसके बाद लुटेरे हवाई फायर भी करते हैं। आस पड़ोस के घर वाले अपने घरों में डरकर घुस जाते हैं। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दो लुटेरों को अवैध हथियार सहित धर दबोचा है, लेकिन अभी भी एक लुटेरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं करनाल पुलिस फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। करनाल से KC आर्य, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।